नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोब। और इससे पहले हमने जो क्लास सिक्स है सामाजिक विज्ञान के तीन चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और आपने नोट्स उनके निश्चित रूप से बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो साथ साथ बनाते चलें। आपको मैन मैन फैक्ट बताए हैं इनमें। इसके साथ ही देखिएगा, जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें स्वाई जय सिंह की वेदशाला 1724 और 1734 लिखा हुआ था, वो बोलते टाइम 1924 और 1934 स्लिप हो गया। तो आप देखते समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट नहीं हो इसलिए आपको इसमें बता रहा हूँ, 1724 1734 ही हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं और आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका, और राजस्थान के हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्लोब। देखिए, पिछले अध्यायों में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह और उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अक्ष और परिक्रमण क्या है, क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है, सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, इन सवालों के उत्तर इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। देखने में गोल नजर जरूर आती है, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य भाग से उभरी हुई है। देखिए, ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम इसका ये पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास, ध्रुवीय व्यास, ये कई चीजें आगे पढ़ेंगे तो उसमें बार बार उनमें चेंज आएगा। कैसे है, ध्रुवों से चपटी और मध्य भाग से उभरी हुई। तो जैसे एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए पृथ्वी इस तरह से ये गोल है और ये ऊपर से यूं चपटी है और यहां से भी ये चपटी है। तो ऊपर से चपटी है तो जब, और साइडों से देखेगा उत्तर और पूर्व से, यहां से पूरी तरह से गोलाकार है, साइड से पूरी तरह से गोलाकार है, लेकिन ऊपर और दक्षिण में यहां से दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ये पूरी तरह से ऐसे गोल नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप पूर्व से पश्चिम की दूरी नापें और उत्तर से दक्षिण की दूरी नापें, तो कौन सी दूरी ज्यादा होगी और कौन सी कम होगी? तो जो बीच में से उभरी हुई है, निश्चित रूप से जो पूर्व से पश्चिम की दूरी ज्यादा होगी, और चूंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है इसलिए उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो क्या होगी, पूर्व और पश्चिम की तुलना में थोड़ी कम होगी। तो अब आगे पढ़ते हैं इसमें। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य भाग से उभरी हुई है। इस तरह की आकृति को भू आव या पृथ्व्याकार कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, जियोड यानी भू आव या पृथ्व्याकार। ये आपके सामने पृथ्वी बनी हुई है। हिंदी भाषा में भू आव का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास जो है वो 12756.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12714 किलोमीटर से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। अभी देखेगा इसमें, यह आपके सामने पृथ्वी बनी हुई है और इसमें भूमध्यवर्ती व्यास यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जो बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं आप इसको, ये दूरी है, ये निश्चित रूप से ज्यादा होगी थोड़ी बहुत किसके कंपैरिजन में, उत्तर से दक्षिण की तुलना में। क्यों? अभी आपको कारण बताया था कि ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, तो चपटी होने के कारण बीच के बजाय थोड़ी सी दूरी जो बीच में है इनमें कम होगी। कितने हैं? लगभग 43 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण का जो भूमध्यवर्ती व्यास है, यहां से अगर सीधी रेखा से हम चले ही हूं तो ऊपर की ओर, तो 12756.6 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 12714 उत्तर से दक्षिण की ओर 12714 और पूर्व से पश्चिम की ओर 12756.6 किलोमीटर। तो ये अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर है पृथ्वी की। अब देखा गया, ये आपके सामने एक डायग्राम और है, परिधि तथा व्यास।
इस रेखा चित्र को देखकर यह बताइए कि परिधि व्यास और अर्धव्यास किसे कहते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इनकी परिभाषा बनाइए। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किलोमीटर है। फिर देखिएगा, जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो ध्रुवीय परिधि की तुलना में ज्यादा है। क्यों? वही कारण है, उत्तर से दक्षिण पृथ्वी थोड़ी चपटी है ध्रुव पर। तो अब इसमें देख लीजिएगा इस डायग्राम में कि व्यास देख लिया आपने क्या होता है, ऊपर भूमध्यवर्ती व्यास और ध्रुवीय व्यास। ये डायरेक्ट अगर इसको बीच में से अगर काट दिया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को अर्धव्यास, ये अर्धव्यास हो गया जैसे 90 डिग्री का कोण होता है, और परिधि तो पूरी तरह हम जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, ये कोई बॉल है और इसे हमारे पास कोई है डोरी, तो इस तरफ से बांधते हुए दूसरी तरफ से लेकर के पूरा यूं गोल उसको बांधे तो उसको कहा जाता है परिधि। तो यहां भूमध्य रेखीय परिधि यानी पूर्व से पश्चिम दोनों तरफ यूं चलते हम चलें तो 40,075 किलोमीटर, और ध्रुवीय परिधि जो होगी यानी उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए यूं घूम करके फिर वापस यूं, तो यह होगी 40,008 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का है, आगे पढ़ते हैं, इसमें आएगा अभी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के इस भू आबीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के एक खगोल शास्त्री जो रिचर को तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश यानी दक्षिण अमेरिका के एक टापू पर भेजा। वह टापू विषुवत रेखा के पास था। वहां पहुंचने पर रिचर ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। तो उस समय रिचर इस कारण को जान नहीं सके, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया तब रिचर ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप था तथा फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित है, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहां होता है? विषुवत रेखा पर। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा जो इसका गुरुत्वाकर्षण है वो कम होता जाता है। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे, इसी वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। तो ये कुछ फैक्ट है मैन मैन। इस प्रकार रिचर के इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने का कारण तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता यह नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। तो वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाले बल केंद्र प्रसारक यानी केंद्र से दूर धकेलने वाला बल या अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए हुए है तथा ध्रुवों पर चपटी है। देखिए, पहले आप छोटे बच्चे होंगे तो एक गेम आता था जब विद्यालय में खेले होंगे, गोल गोल घूमने वाला जो एक होता था चक्रिया सा, उस पे जब आप चढ़ के गोल गोल घूमते थे उस पे, जो ही उसकी थोड़ी सी स्पीड तेज हुई और वो आपको बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता था, यही स्थिति सेम यही है। तो चूंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूमती है और इसी कारण जो बल लगता है उसके कारण पृथ्वी दोनों तरफ से साइड से जो है वो गोल है, ज्यादा उभरी हुई है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, तो उसे ही कहते हैं अपकेंद्रीय बल या केंद्र से दूर धकेलने वाला बल, केंद्र प्रसारक बल, केंद्र प्रसारक। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है और इस बहिर्गामी बल को ही केंद्र प्रसारक बल कहते हैं, जो ऊपर पढ़ा है हमने। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान यानी उसके वजन, घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार हो, जितनी तेजी से घूम रही हो और केंद्र से जितनी दूर हो, तो केंद्र प्रसारक बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। और केंद्र अभिमुख जो होता है ये इसके अंदर की ओर लगता है, ये इसके विपरीत होता है। तो ये मेन मेन पॉइंट है।
अब देखिएगा जो अपकेंद्रीय बल है उसका एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं। जैसे घर में जो हम बिलावना करते हैं, मक्खन निकालते हैं, तो वो भी यही प्रोसेस है, अपकेंद्रीय बल के कारण ही उसमें मक्खन निकलता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, आप एक प्रकार से इसको नमूना या कॉपी कह सकते हैं उसकी। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। तो एक प्रकार से जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, या आपके सामने ग्लोब बना हुआ है, और आपने हमेशा देखा होगा कि ग्लोब थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है। ये जो बीच में डंडी है, जो अक्ष आप कह सकते हो, जिस पर पृथ्वी चारों ओर घूमती है, जो हमने बना रखा है बीच में, ये जो लोहे की कील होती है, ये इस तरह से है। ये कभी यूँ बिल्कुल सीधी नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये कील यूँ ना होकर के और इस तरह से है, इस प्रकार से। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय एक तरफ झुकी हुई नजर आती है। जब आप देखेंगे यह किस प्रकार झुकी हुई है, तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है, जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, जिस पर यह ग्लोब रखा हुआ है। जैसे कील है, तो ये पूरा ग्लोब इस कील के सहारे गोल गोल घूमता है। आपने कभी ग्लोब को घुमा के भी देखा होगा, तो वो जिस कील के चारों ओर घूमता है, उसी कील की बात हो रही है। जो ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है, उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इसी कील को हम अक्ष कहते हैं। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। आपने घुमा के देखा होगा कई बार उसको, तो जिस कील के चारों ओर वो घूम रहा है, जिसकी सहायता से घूम रहा है, इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यूं घूमती है पृथ्वी, इस प्रकार से ये उसका घूमने का रहता है, इस प्रकार से। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष की बात कर रहा है यहां से। अब देखिए जैसे ये 90 डिग्री होता है, चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इस प्रकार से झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यहां से अगर आप कोण देखेंगे अपने अक्ष कि यहां से कितना कोण बनाता है, तो ये 66.5 डिग्री का बनाता है, क्योंकि पूरा यहां तक तो 90 डिग्री होगा, लेकिन चूंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए यहां से अगर इसके अक्ष देखें तो 66.5 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। अभी आप डायग्राम में देखिए इसको, पृथ्वी अक्ष और अक्षीय झुकाव, तो ये देखिए इसमें। ये 23.5 डिग्री झुकी भी है, यहां उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये परिक्रमण कक्ष है इसका, ये विषुवत रेखा है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आता है अक्षांश। अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं? तो ये पृथ्वी है, पूर्व से पश्चिम की वो काल्पनिक रेखा जो दोनों भागों को जोड़ती है। देखिए ये वास्तव में रेखाएं जो है, ये कोई है नहीं ऐसे, ये हमने हमारी सुविधा के हिसाब से बना ली। अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, ये सब हमने हमारी सुविधाओं के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो क्या होते हैं अक्षांश? पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेताओं ने कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की है। इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई यानी पूर्व से पश्चिम, जैसा आपको अभी बताया बना करके, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया जाता है। ये दोनों उसी के नाम है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर
और दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ये पृथ्वी है, ये बन गई इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। इससे ऊपर का भाग उत्तरी और इससे दक्षिण का भाग दक्षिणी, तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। कोणीय स्थिति मतलब, अब जैसे जैसे डिग्री आपने, आपके पास मैप वगैरह हो, आपने देखा हो ये कोण बनेंगे किस प्रकार से, अब उत्तर की ओर जाते जाएंगे तो एक डिग्री, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इस तरह करते 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 90 डिग्री तक हम पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार से दक्षिण में आएंगे, चलते 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 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। कोणीय स्थिति अक्षांश है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव तो बिंदु हैं, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ना जाने कितनी बार ये एग्जाम में पूछा आया है, इसको फिर से देखिएगा। क्या पूछ रहा है ये आपको मैं समझा देता हूं। जैसे ये पृथ्वी है, बीच में क्या है, विषुवत रेखा, जिसने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ये हमने बना दी है विषुवत रेखा। उत्तर का भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब जो रेखाएं इस 0 डिग्री इक्वेटर के समानांतर खींची जाएगी, समानांतर का मतलब यूं है, और चूंकि पृथ्वी गोल है तो आप देखते जाइए धीरे धीरे इनकी दूरी भी कम होती जाएगी, रेखाओं की कम होते 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 पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव जो है उस पर आकर के केवल 90 डिग्री वाला है, वो केवल एक बिंदु रह जाएगा। दक्षिण में आते जाइए, दक्षिण में भी इसी प्रकार से चलते 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 90 डिग्री केवल एक बिंदु के रूप में रह जाएगा। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए, इस लाइन को ध्यान से सुनेगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो मैंने आपको अभी बताया उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जो 90 डिग्री वाला है वो 90 डिग्री अक्षांश केवल एक बिंदु के रूप में रह जाता है। तो कोई अक्षांश रेखा वहां नहीं है 90 डिग्री पे दोनों तरफ, तो कितना हो गया अक्षांश रेखाएं, एक तो 0 डिग्री वाली होगी, तो एक तो ये होगी, इसके बाद ऊपर कितने हैं 90 डिग्री, मैंने बताया आपको केवल एक बिंदु है, तो 89 रेखाएं, और दक्षिण में भी 89 रेखाएं। तो आप इन तीनों को जोड़ेंगे 89 प्लस 89 प्लस 1, तो कितना हो गया 179। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो अक्षांश रेखाएं होगी 179। और अगर ये पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश तो फिर 90 ऊपर है, 90 दक्षिण में है, और एक बीच में हो गया 0 डिग्री वाला, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 यानी 181। तो अक्षांश तो कितने हैं 181, और अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो कितनी है 179। तो अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, कई विद्यार्थी कह रहे थे सर हम नोट्स कैसे बनाए, इसमें आप सबको अंडरलाइन कर दीजिए। तो जो जो फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से फैक्ट हैं, एक तो केवल जिसे समझाने के लिए कोई 2-4 पैराग्राफ लिखा हो, लेकिन आप जैसे ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत मोस्ट है, ये आप देख रहे हैं ये सारा पैराग्राफ मोस्ट है, तो ये पूरा लिखने वाला है। नेक्स्ट आता है प्रमुख अक्षांश वृत्त। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं करक रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा। करक और मकर रेखाओं के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। करक रेखा से, अब ये पैराग्राफ आपको पूरा लिखना है, ये पूरा ही मोस्ट है पैराग्राफ। तो आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित भूभाग को
कृष्ण उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और आर्कटिक वर्ष से उत्तरी ध्रुव तक तथा अंटार्कटिक वर्ष से दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये ताप कटिबंध है, टेम्परेचर, इसकी जानकारी हम अगले अध्याय में विस्तृत रूप से करेंगे, लेकिन एक बार आप इसको समझ लीजिए। इसको ये देखिए, जैसे अक्षांश रेखाएं तो आपको समझा दी, इस डायग्राम में कितने अच्छे से समझा रखे हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो इसने झुकाव वाला चित्र दिया है, ये बिल्कुल बीच में वैसे नहीं बना हुआ, देखिए थोड़ी सी झुकी हुई है पृथ्वी इस प्रकार से, आप बीच में ये 90 डिग्री वाला यहां से ये मान सकते हैं। अब ये रेखाएं देखिएगा, ध्रुवों की ओर रेखाओं की क्या है, दूरी कम होती जाएगी और बिल्कुल बीच में से लंबी है। तो यहां आपको बता दी कुल रेखाएं तो होगी 179 और कुल अक्षांश जो है वो कितने हो जाएंगे, 181। और इस तरफ देखिएगा, भूमध्य, करक, मकर, आर्कटिक और अंटार्कटिक अक्षांश रेखाओं की स्थिति, तो बीच वाला जो ये लाइन है भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, इस 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं करक रेखा, और उसके बाद 66.5 डिग्री को कहते हैं आर्कटिक रेखा, और फिर 90 डिग्री पे आगे ध्रुव। अब और जो दक्षिण की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं मकर, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक जो टिक रेखा है, और 90 डिग्री जो है वो फिर दक्षिण में आ जाते हैं ध्रुव। तो ये देखेगा, उत्तर की बात करें 0 से 23.5 डिग्री तो वो बीच का भाग कहलाएगा उष्ण कटिबंध, और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री का भाग, तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इस भाग को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, और 23.5 से 66 डिग्री उत्तर और 23.5 से 66 डिग्री दक्षिण के भाग को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण में 66.5 डिग्री से दक्षिण के 90 डिग्री को हम कहते हैं शीत कटिबंध। और तापमान हम 0 डिग्री से वैसे भी जैसे दोनों तरफ बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे कम ही होता जाएगा, क्योंकि सूर्य सीधा सबसे ज्यादा कहाँ चमकता है, भूमध्य रेखा पे, बीच वाले भाग पे ज्यादा चमकेगा, और ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो थोड़ा तरह क्या होता जाता है, ये थोड़ा थोड़ा तिरछा, तो ऊपर की ओर टेम्परेचर बहुत कम पहुंच पाता है, और ऊपर के कई स्थान तो ऐसे हैं कि वहां हमेशा बर्फ ही जमी रहती है ध्रुवों पे, क्योंकि सूर्य का तापमान वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो बर्फ जमी रहती है, जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता। इसके बाद में हम बात करते हैं देशांतर और देशांतर रेखाएं। तो ये तो आप समझ गए अक्षांश वाला सारा टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है देशांतर और देशांतर रेखाएं। जैसे हमने अक्षांश और अक्षांश रेखाएं पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ेंगे देशांतर और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा, खड़ी रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती है, उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतर को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। जिसमें यह बनाई गई ये रेखाएं कौन सी कहां से होगी, बीच में कहां से निकलेगी, तो देखिए वैसे तो पृथ्वी का बीच में कहीं से भी खींच लीजिए वो बीच ही होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, लेकिन उस समय इंग्लैंड का लगभग पूरे विश्व पे क्या था, अधिकार था, आधिपत्य था, तो उन्होंने अपने शहर में से जो है अपना इंग्लैंड, वहीं से बीच में से ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री को मान लिया कि हमारा ही चलेगा और ये बीच में से यहीं से है 0 डिग्री। इस रेखा के पश्चिम में स्थिति 180 देशांतर तक जो है वो पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व में 180 देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित हैं। जैसे ये डायग्राम आपके सामने है, अब इसमें देखिए देशांतर रेखाएं।
तो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो हम एक रेखा खींचते हैं, इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से है। अब इसके पश्चिम की तरफ जो ये रेखाएं खींची जा रही है उत्तर से दक्षिण, इसी के इक्वल ग्रीनविच रेखा के, तो पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं हैं इनको कहेंगे पश्चिमी देशांतर, और पूर्व की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं उसको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर। ये देखिएगा इस प्रकार से खींची गई है, तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर जो है तो वो सब हो गए पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर जो है वो हो गए पश्चिमी देशांतर। अब देखिए कुल देशांतर रेखाएं अगर आपसे पूछेगा कितनी है, तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। अब ये 360 कैसे है, इसकी गिनती ऐसे नहीं होगी जैसे आप कर लें कि पूर्व में 180 और पश्चिम में 180 तो कुल मिलाकर के 360। 360 ऐसे नहीं है, कैसे है, एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आप देख रहे हैं बीच में से, तो एक तो हो गई ये, और इसके बाद जब पूर्वी जो देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर रेखाएं, तो जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये दोनों रेखाएं एक है। फिर से सुनिएगा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये जो आप 180 लिखा हुआ देख रहे हैं, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों एक हैं। तो फिर हमें रेखाएं कितने गिननी होगी, 179 तो होगी पश्चिमी वाली और 179 होगी पूर्वी वाली, चूंकि 180 डिग्री दोनों की एक है तो वो काउंटिंग में होगी एक। तो 1 कौन सी, बीच वाली देशांतर रेखा, 179 यानी जो ये पश्चिम की तरफ, पूर्व वाली 179 और 180 डिग्री दोनों की एक है, 179 के बाद एक और इधर वाली भी ये एक, तो ये एक अलग से गिन ली हमने 180 वाली, तो 1 + 179 + 179 + 1 इस प्रकार से मिलकर के ये बनेगी 360। तो ये आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीजें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्थानीय एवं मानक समय, कैसे देखिएगा। अब तक हम जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसी वजह से पृथ्वी के पूरी भाग में सूर्योदय पहले होता है, और तथा पृथ्वी 24 घंटों में एक घूर्णन को पूरा करती है। देखिए पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, यह आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं सब, अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है वो गति कौन सी कहलाती है, परिभ्रमण, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिक्रमण। तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जो घूमती है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो जो भाग सूर्य के सामने रहेगा वहां रोशनी रहती है, जो भाग सूर्य के बिल्कुल उलट रहेगा पीछे की तरफ वहां अंधेरा रहता है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है पृथ्वी यूं, तो जो पूर्व का भाग है वहां सूर्योदय पहले होता है। अब देखिए इस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, चूंकि 24 घंटे में, अब यहां से एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री अक्षांश तक घूमेगी, यानी 360/24 बराबर में 15 डिग्री अक्षांश। इस प्रकार पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री, और 60 मिनट में देखा जाए तो फिर एक डिग्री अक्षांश घूमने में कितना मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा, जिसे हम दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है एक घंटे में, तो एक डिग्री घूमेगी 60 मिनट / 15 यानी 4 मिनट में एक डिग्री अक्षांश घूमती है। तो इस प्रकार से अगर आपको समय भी निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए यहां पूर्वी देशांतर की तरफ खड़ा है या पश्चिमी देशांतर है, जैसे आगे एग्जांपल आएगा इसमें, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं बीच में, ये जैसे पृथ्वी है तो ये जो खड़ी रेखाएं ये देशांतर रेखाएं हैं, जिससे ये किरणें पूर्वी देशांतरों पर
पहले और बाद में पश्चिमी देशांतरों पर पड़ती हैं। इस प्रकार किन्हीं दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। कोई भी दो देशांतर जो हैं, जैसे हमने देखा कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो कोई भी दो देशांतर के मध्य का जो समय का अंतर आएगा वो 4 मिनट का समय आएगा दो देशांतरों के मध्य। तो आपसे पूर्व में जितने डिग्री देशांतर जाना हो उतना ही उसमें ऐड करना होगा, पश्चिम में जाना है तो वहां आपको माइनस करना होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, स्थानीय समय, किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर के सीध में होगा तो 12 बजे का समय माना जाएगा। उस स्थान पर किसी खंभे की सबसे लंबी परछाई क्रम से सूर्योदय और सूर्यास्त को बताती है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। देखिए, सब देश भी अपना अलग अलग मानते हैं, भारत का भी अलग है। जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं, और ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिमी दिशा की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे रखा है इसने, अगर हम मान ले 0 डिग्री देशांतर रेखा पर वहां का स्थानीय समय सुबह के 8 बजे हैं, तो इसी स्थान से यदि हमें 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाना है तो स्थानीय समय 4 मिनट बढ़ जाएगा। इस प्रकार वहां 8:04 हुए हैं, 8:04, जबकि 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा, 7:56। तो इस प्रकार से हैं। अब देखिए, जैसे पाकिस्तान की बात करें एग्जाम्पल के लिए, यह भारत है और यह पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान वैसे देखा जाए तो भारत के पश्चिम में है या पूर्व में है, पश्चिम में ही है। तो पश्चिम में है तो वहां का समय हमसे लगभग आधा घंटा पहले होता है। अब देख लीजिएगा जितना भी है, लेकिन वो हमसे पीछे है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 5 बजे होंगे शाम के, तो पाकिस्तान में बजे होंगे शाम के 4:30। उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ, ये कम ज़्यादा भी जो भी है, लेकिन ये होगा इससे कम। और जो पूर्व की तरफ कोई कंट्री है, जैसे मान लीजिए पूर्व की तरफ कोई देश जा रहे हैं, तो वहाँ निश्चित रूप से आपके समय बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ 5 बजे होंगे, तो जो पूर्व के कंट्री हैं इधर की तरफ आप जाएंगे तो 1-1 डिग्री देशांतर में जितना समय जुड़ता जाएगा तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग वहाँ समय होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई 20 डिग्री देशांतर है पूर्व की तरफ जाएं, तो 20 × 4, 4×2 = 80, तो 80 मिनट आप उसमें प्लस कर दीजिए 5 में, तो 6:20। तो वहां 6:20 बज रहे होंगे। पश्चिम में जाना है तो उस समय को माइनस कर दीजिए। तो ये पॉइंट है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमाणिक समय। हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है। अब जैसे मान लो रूस है, तो रूस तो इतना बड़ा देश है अपने आप में महाद्वीप की तरह, तो वहां अगर एक ही समय मानेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ कहां पूर्व की तरफ कितना रूस फैला और कहां पश्चिम की तरफ है। एशिया के सारे कंट्रीज जो है उस रेंज में आ जाते हैं, इतना बड़ा देश है रूस, इसलिए वहां वो अपनी सुविधा के लिए कई स्थानीय समय मान लेते हैं। सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश में एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी, क्योंकि वहां से अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जैसे जब जयपुर में 8 बजे होंगे, तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य 5 देशांतरों का अंतर है। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रमाणिक समय निर्धारित किया है, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का मानक या प्रमाणिक समय माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए पूर्व के अंदर राजस्थान की बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो पूर्व की तरफ पड़ेगा धौलपुर, तो सूर्य सबसे पहले उदय भी कहाँ होगा, धौलपुर में, और सबसे पश्चिम में पड़ेगा जैसलमेर, तो सबसे लास्ट में कहाँ उदय होगा, जैसलमेर में।
सबसे पहले छिपने की बारी आएगी तो पूर्व में छिपेगा, और सबसे लास्ट में छिपने की बारी आएगी तो कहाँ छिपेगा, जैसलमेर में। लेकिन चूंकि बीच में कितना गैप आ गया, कई देशांतर रेखाएं हैं, लेकिन वो समय एक ही माना जाएगा, पूरे भारत के अंदर एक ही समय माना जाएगा। यहाँ 5 बज रहे हैं तो यहाँ भी उस समय बजेंगे वो 5 ही। हालांकि आप इस अक्षांश का अंतर देख सकते हैं कि यहाँ सूर्योदय पूर्व में सबसे पहले होगा और लास्ट में पश्चिम में सबसे बाद में, क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूमती है तो ये स्थान बाद में आएगा सामने। हम मानक समय की गणना ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश का, अब ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। चूंकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। तो जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, देशांतर रेखा, उसके पूर्व की तरफ चलें तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो हमारे देश का मानक समय है, जो भारत के लगभग बीच में से निकलेगा यूं उत्तर से दक्षिण। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक अगर आप बीच में समय निकालेंगे कि दो अक्षांश के बीच में 4 मिनट का समय है, तो अगर वो आप निकालते हैं तो 5.5 घंटे आप इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि पूर्व की तरफ आ रहे हैं तो इसमें घंटे जोड़े जाएंगे। यही अगर मान लीजिए भारत की स्थिति 82.5 डिग्री पश्चिम होती तो फिर 5.5 घंटे और इसमें माइनस कर दिए जाते। अब जैसे एक मैप बना हुआ है, ये इसी तरह से है, ये सीधा नहीं होगा, इसमें बना हुआ है जो बुक में, आपके पास जो बोर्ड की बुक हो आप इसको देख लीजिएगा। ये सारे महाद्वीप हैं और ये बीच में है ग्रीनविच, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है उत्तर से दक्षिण, और ये है भारत। तो यहां ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, चूंकि इसके पूर्व में है तो ये पूर्वी देशांतर है। यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो तब ऐसी स्थिति में उस देश में एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी समय में अंतराल बहुत अधिक होता है। जैसे मैंने आपको रूस वाला एग्जाम्पल दिया था, रशिया, अमेरिका, कनाडा, तो ये समझ गए आप इसको कि जैसे जो बड़े कंट्रीज हैं तो वहाँ चूंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा विशालकाय हैं, पूर्व से पश्चिम खूब फैले हुए हैं, तब वहाँ एक से अधिक मानक समय मान लेते हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये क्या होती है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है। थोड़ी देर पहले ही आपको ऊपर समझाया है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कोई दो अलग अलग रेखाएं नहीं है, ये दोनों एक ही है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। अब नेक्स्ट है कि क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो अगर इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम आते हैं तो एक दिन कम कर दिया जाता है, आपको बताया था ये समय पीछे रहता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे इस तिथि रेखा के पार तो आप चूंकि पूर्वी देशांतर की तरफ हैं और ये बीच में जो है रेखा, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है, तो पूर्व की ओर तरफ आएंगे तो एक दिन इसमें जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तथा पृथ्वी पर कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बरसात क्यों होती है। इसका कारण है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, दैनिक या घूर्णन गति और वार्षिक या परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला,
पृथ्वी के घूमने के समय के मापन एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है जिसे 24 घंटों को दिन और रात, घंटों, मिनट, सेकंड में विभाजित किया जाता है। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक और जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। कैसे? हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। जैसे आपको बताया कि जो भाग सूर्य के सामने रहेगा वहाँ रोशनी रहेगी और जो भाग बिल्कुल पीछे की तरफ रहेगा वहाँ अंधेरा रहेगा। जैसे मान लीजिए जिस समय हमारे यहाँ दिन के 12 बजेंगे, मान लीजिए हम सूर्य के सामने हैं, उस समय भारत सूर्य की तरफ सामने है, ये सूर्य है, ये सामने है भारत यहाँ, तो यहाँ अगर दिन के 12 बजे हैं तो अमेरिका हमारे बिल्कुल उलट है दूसरी तरफ, तो यहाँ रात के 12 बजे होंगे। और ये बिल्कुल घूमते घूमते अब जैसे हम यूं आते जाएंगे तो हमारे यहाँ शाम होती जाएगी, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी और आते आते बिल्कुल हम पीछे आ जाएंगे, हमारे रात के 12 बज जाएंगे और ये अमेरिका वाला जो हिस्सा है ये पृथ्वी घूमते 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 ये सूर्य के सामने आ जाएगी। इनके यहाँ चूंकि सामने धीरे धीरे आएगा तो इनके सूर्य उदय होगा और उदय होते 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 बिल्कुल सूर्य के बीचों बीच ये सामने आ जाएगा। तो यहाँ दिन के 12 बजेंगे तब हमारे यहाँ रात के 12 बजेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीव जंतु इसी दैनिक क्रम में चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्रित करके और रात में उसका उपयोग करते हैं। तो ये आपने देख लिया, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सामने वाले भाग पर दिन होता है लेकिन दूसरा भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहां पर रात होती है। तो ये आप देख लीजिए, ये डायग्राम जो अभी आपको ऊपर समझाया था सेम वही है। ये सूर्य है, इसकी रोशनी किरणें, जो भाग इसके सामने रहेगा वहां दिन, जो भाग पूरी तरह से बैक में है वहां पूरी तरह से रात होगी। नेक्स्ट आता है परिक्रमण गति। देखिए परिक्रमण में गति आपको बता चुका हूं, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्र लगाती है उसको कहते हैं परिक्रमण। अभी क्या कहना चाहता है कि आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह पढ़ा हमने कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये ऊपर देख लिया था, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्ष समतल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष से पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है, इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लेकिन अभी जो 6 घंटे बच गए ये, तो 6 घंटे 4 वर्षों में कितने कंप्लीट हो जाएंगे, 24 घंटे या एक दिन कह सकते हैं। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है तो ये चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करते हैं। हम क्या कहते हैं 365 दिन में पूरा करती है, लगभग 365 दिन, तो ये 6 घंटे जो बचे हैं अब इसका क्या करें। तो अगर 4 वर्षों में 6 घंटे जोड़े जाएं तो मिला करके क्या हो जाएगा, 24 घंटे यानी एक दिन के बराबर। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है और इसी कारण उस वर्ष में यानी हर चौथे वर्ष फरवरी का महीना 28 दिनों के बजाय कितना होता है, 29 डेज का। तो आप देखते हैं कि 4 साल बाद में ये फरवरी एक बार 29 दिन का होता है, ये क्यों होता है, उसका कारण यही है और कि ये दिन कहीं ना कहीं तो हमें सेट करना होगा, तो फरवरी के अंदर हमने इसको सेट कर दिया और 4 साल बाद में एक दिन बढ़ा देते हैं। तो 3 साल जो है 28 दिन और जो ही चौथा साल आएगा एक दिन हम जोड़ देंगे और इसी को हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जैसे वर्ष 2012 एक लीप वर्ष था, तो 4-4 साल करके आप जोड़ते जाइए वो लीप वर्ष आता जाएगा। इसके बाद आता है ऋतुएं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। देखिए जो ऋतुएं हम देख रहे हैं कि ऋतुएं क्यों आती हैं, शीत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, अब उसका कारण देखें। पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, इस झुकी हुई स्थिति में ही
यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। अब पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है, यह बीच में देशांतर रेखा है, तो यह बिल्कुल यूं नहीं है, इस प्रकार से बनी हुई है और इसी तरह से यह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। इसी अवस्था में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। देखिए, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। ये डायग्राम में हम देखेंगे। यही स्थिति पुनः सितंबर माह से मार्च माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये देखिएगा आप, इसमें ये आपके सामने डायग्राम है। ये पृथ्वी चारों ओर घूम रही है और 23 सितंबर ये शरद ऋतु, 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या है, शीत ऋतु। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो ये अक्ष पर झुकी हुई है, झुके हुए के कारण ये भाग इतना इसके सामने नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या होगी, सर्दी होगी। इस मैप को आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इसको आराम से। यहाँ जो इसमें आपको पॉइंट समझाए हैं, अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। अब इस सूर्य के सामने ये पृथ्वी इसी प्रकार से घूम रही है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो जब ये घूमते घूमते इसके चारों ओर इस प्रकार से घूमेगी तो जो भाग बिल्कुल यहाँ इसके सामने यूं रहेगा तो यहाँ पड़ेगी सूर्य की किरणें ज़्यादा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर जो दक्षिण वाला भाग है वहाँ, फिर ये बिल्कुल पूर्व में चली जाएगी, इस तरफ यहाँ आ जाएगा, तो दक्षिण गोलार्ध है ये, यहाँ इसकी रोशनी पड़ेगी ज़्यादा और उत्तर वाला चूंकि थोड़ा दूर हो जाएगा, तो इस प्रकार से घूमती जाएगी और जहाँ किरणें ज़्यादा ऊपर जाएगी वहाँ सर्दी होगी, जहाँ बिल्कुल कम होगी वहाँ पर ठंड होगी। तो ये देख लीजिए इसको, इसको आप समझिएगा मैप को अच्छे से, इसकी स्थिति को। अब जो ऊपर मैप में था उसको समझाया गया है कि 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर होती है। ये देखिए 21 मार्च, ये 21 मार्च की स्थिति है, विषुवत वर्त पर। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषु या बसंत विषु कहा जाता है। इस समय ना अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी। तो 21 मार्च का जो समय है लगभग, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 जून को किरणें सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। अब 21 जून की स्थिति इसमें देखिएगा, यह स्थिति है 21 जून की। तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी। कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है, 21 जून को कर्क रेखा पर गिरती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे दक्षिण विषुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती है। 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है। अब इसमें देखिएगा,
ये 22 दिसंबर है, तो ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है ये देखेगा, अब ये किरणें मकर रेखा पर गिरेगी। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो उत्तर वाला भाग थोड़ा दूसरी तरफ आ जाएगा और यहाँ दक्षिण में जो मकर रेखा है यहाँ किरणें सीधी पड़ेगी। तो चूंकि भारत हमारा उत्तरी वाले भाग में आता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए हमें ज़्यादातर आपको जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वही आपको सब ऋतुएं अपने पर फील होती होगी, क्योंकि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये हो गया कि 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती है और 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, इसे दक्षिणी आयनांत कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। तो इस पैराग्राफ को 5-6 बार पढ़िएगा और इस मैप में सूर्य की स्थिति को देखें, आपके ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार में हो सकता है ना समझ में, इस मैप को देखने का प्रयास करें और ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनको बार बार पढ़ें कि किस दिनांक पे क्या क्या स्थिति हो रही है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की किरणें सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती है। इसी दिन पुनः पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने अक्ष में यह परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करती है। तो अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई नहीं होती तो ये इस प्रकार से ऋतुएं हमें देखने को नहीं मिलती कि जब वो कर्क रेखा की तरफ बिल्कुल सीधी सूर्य चमकेगा या मकर रेखा की तरफ सीधा चमकेगा। ये केवल पृथ्वी के अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुके होने के कारण ही है। अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण का सीधा सा एक फंडा है, याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण में सूर्य कभी बीच में नहीं आता। इसको याद रखिए फिर से, सूर्य ग्रहण में सूर्य कभी बीच में नहीं आता और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा कभी बीच में नहीं आता। किसके बीच में? तीन ही चीजें हैं जो आपको देखनी है। एक तो सूर्य, इस सूर्य के चारों ओर चक्र कौन लगा रहा है? पृथ्वी। और इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इसका उपग्रह चंद्रमा। तो ये चंद्रमा है, तो आपको इन्हीं बीच में देखना है। ये जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो अभी क्या इनकी स्थिति आती है, चंद्रमा कहाँ आएगा, पृथ्वी कहाँ जाएगी, तो ये इस प्रकार से चक्कर लगाते रहेंगे। इन्हीं तीन के मध्य आपको स्थिति देखनी है। यहीं से सूर्य ग्रहण बनेगा, यहीं से चंद्र ग्रहण बनेगा। याद करने के लिए, आपको सुविधा के लिए है कि जब ये सूर्य ग्रहण नाम आए तो याद रख लीजिएगा, सूर्य ग्रहण में सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा कभी बीच में नहीं आता, इन तीनों की रेंज में। तो फिर क्या है ये, अब देखते हैं। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक तथा भव्य खगोलीय घटनाएं हैं जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती है। और इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ गया, चंद्रमा बीच में आ गया, तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा के द्वारा रोक ली जाती है, बिल्कुल एक सीध में, बिल्कुल एक सीध में अवरुद्ध होगी रोशनी, किरणें जो है यहां से ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई, इसके द्वारा बीच में अवरुद्ध हो गई, नहीं पहुंच पाई। इसी स्थिति को हम कहते हैं, चूंकि सूर्य हमें नजर नहीं आता या कुछ भाग नजर आता है, तो उसे ही हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, कि सूर्य को ग्रहण लग गया। तो वो ग्रहण क्या लग गया, वो चंद्रमा बीच में आ गया, तो सूर्य की जो रोशनी है वो हम तक नहीं पहुंच पाई। तो यही आपको मैंने बताया, सूर्य ग्रहण में सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, केवल याद करने की ट्रिक है, कंफ्यूज ना हो, चंद्रमा बीच में आ गया। पृथ्वी के किसी भाग को, किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। इस प्रकार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, पृथ्वी ये जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी और ये है चंद्रमा। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण, अब इसके द्वारा रोक ली गई है, बिल्कुल एक सीध में आ गए, तो ये किरणें कहां पर आ जाएगी, पृथ्वी पर, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती,
नहीं पहुंच पाई चंद्रमा तक। इसी स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में तो बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण में बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी। ये आप इस मैप में देख लीजिए। आप ये सूर्य ग्रहण बताया गया है इसमें कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा आ गया बीच में, ये पृथ्वी से हम देख रहे हैं तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। और यहां सूर्य चंद्र ग्रहण में देखेगा दूसरे मैप में, इस तरफ रोशनी है तो पृथ्वी के द्वारा इस रोशनी को अवरुद्ध कर दिया गया, तो हम कहते हैं कि साहब चंद्रमा को ग्रहण लग गया, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती रोशनी। ये प्रयोग बता रखा है, ये आप करके देखना चाहे तो देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, और इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि इसको कम से कम 5-6 बार आपको पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ेंगे तब चीज़ें आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसमें से कोई क्वेश्चन ना आता हो। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर नोट्स के लिए हम कैसे बनाएं, बीच में आप हर लाइन को अंडरलाइन कीजिए। तो देखिए जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता दूंगा अभी ऊपर, पहले एक शब्दावली देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति। मानक समय क्या होता है? किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, नए दिन की शुरुआत का स्थान, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसकी बात कर रहे हैं। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है क्या कहलाती है? अब ये आपको बताना है इसका जवाब, क्योंकि बहुत अच्छे से कम ये पॉइंट तो आपके क्लियर निश्चित रूप से हुआ होगा, इतना बेसिक क्वेश्चन है। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, जिस लीप ईयर की हम बात कर रहे हैं? तो ये आपको बताना है, या आपको ही कमेंट करके बताना है कि पहले का क्या आंसर होगा और दूसरे का क्या उत्तर होगा। और ये जो क्वेश्चन है क ख ग घ, इनके आंसर भी आपको टाइप करके बताने हैं। देखिए टाइप करिए आप, अगर आप टाइप करके लिखेंगे इसमें आपका ही फायदा है, कई विद्यार्थी लिखते नहीं है। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास किस व्यास से अधिक होता है, ये आपको लिख के बताना है। भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। पृथ्वी कहाँ से प्रकाश प्राप्त करती है, और 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस रेखा पर गिरती हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है इनको भी आप खुद सोल्व करें, इस मैटर में ढूंढें, देखिए खुद मेहनत कीजिए। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर आप ही नोट्स बना के पढ़ा दो, तो फिर आपकी मेहनत सामने नहीं आई। पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे, खुद मेहनत कीजिए, इसमें से नोट्स बनाइए, तभी आपको लाभ होगा। और अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे फिर शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं, 90% विद्यार्थी फिर शॉर्टकट की तरफ भागना चाहते हैं वापस, कि मैं ही नोट्स बना के उनके सामने रख दूं। ये खुद अपने आप में एक नोट्स है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, तो जो समझाने वाली जिसमें, जैसे मान लीजिए कोई सिर्फ पैराग्राफ है, 3-4 लाइनें महत्वपूर्ण है, तो वो उसमें फैक्ट फैक्ट है, वो आप नोट कर लीजिए। तो खुद मेहनत कीजिए, 1-2 दिन लिखने से कुछ नहीं होगा, डेली का रेगुलर इनमें से आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो 4-5 महीने बाद आपकी मेहनत निखर करके सामने आएगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे भी पढ़ना चाहें। अब देखिए शुरू में हमने शुरुआत की थी, आपको बता देता हूँ नोट्स का क्या है। अब जैसे ये पहला पैराग्राफ जो है इसमें नोट्स बनाने वाले जैसा कुछ नहीं है, ये केवल समझाने वाला था पॉइंट। नोट्स में आप क्या क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे, ये जो पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ लिखने वाला है आपके नोट्स के लिए, तो ये आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। परिधि और व्यास या फैक्ट लिख सकते हैं इसमें सीधा भी, इसमें सीधा क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा ये है और ध्रुवीय परिधि ये है, इसमें लिखने वाला इतना ही है, पूरा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पेंडुलम घड़ी वाला अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बाकी ये इसमें से कोई इस तरह से पूछा जाने वाली चीज़ नहीं है, केवल आपके समझने के लिए है, तो इसमें से नहीं भी लिखें तो भी काम चलेगा। और अब केंद्रीय बल के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि अब केंद्रीय बल होता क्या है। अब ग्लोब क्या है, तो ग्लोब में आप इतना ही लिख सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। अब बाकी इस पर महासागर ये सब कोई लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, एक लाइन बहुत है इसमें। पृथ्वी का अक्ष और कक्ष क्या है,
तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी भी है 23.5 डिग्री। तो अब ये किस प्रकार झुकी हुई है, आप जब आप देखेंगे, ये लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, तब आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन ग्लोब के भीतर से जो आर पार हो रही कील है उसकी सहायता से ग्लोब झुका है और इस कील को हम अक्ष कहते हैं, ये आप लिख सकते हैं। या पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 65.5 डिग्री का कोण बनाता है, ये लाइन आप लिखने वाली है। तो इस प्रकार से जो मैन मैन फैक्ट हैं उनको आप लिखिएगा। और तो आज का ये वीडियो 1 घंटे का बना है और सुबह के लगभग 5:20-25 हो रहे हैं अभी, थोड़ी देर में ये वीडियो आपके सामने अपलोड हो जाएगा। देखिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये आपका ही भविष्य सुधारेगी। ये आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो इसी प्रकार पूरे जी जान से मेहनत करते जाइएगा, शॉर्टकट का तरीका ना ढूंढें। पहले भी बहुत शॉर्टकट ढूंढे होंगे, अब फिर से शॉर्टकट ना ढूंढें। वैकेंसी में अभी टाइम है, एग्ज़ाम में समय है, 6-7 महीने का, 4-5 महीने का, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। और राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, कोई बाहर का भी एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप भारत में आप कोई भी एग्ज़ाम दें, ये फैक्ट यही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। और NCERT के काफ़ी सिमिलर किताबें हैं, तो लगभग वही मैटर हैं। तो आप तो लगातार मेहनत करते जाएं और पढ़ते जाएं, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देवें। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो और आपसे जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।